रोहतास जिले के विक्रमगंज प्रखंड से है, जहां विक्रमगंज प्रखंड कार्यालय पर सोमवार को आंगनवाड़ी सेविकाओं के द्वारा सीडीपीओ कार्यालय से पोषण रैली निकाली गई। पोषण रैली को विक्रमगंज सीडीपीओ कुमारी कमला सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। संबंध में जानकारी देते हुए सीडीपीओ कुमारी कमला सिन्हा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष सितंबर माह पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, जिसमें बच्चों, महिलाओं एवं गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण स्तर एवं स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए ICDS विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करके पूरे सितंबर माह में अलग अलग तरह की गतिविधियों का आयोजन करती है तथा लोगों को इस संबंध में जागरूक भी करने का कार्य किया जाता है। सेविकाओं के द्वारा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रखंड कार्यालय कैंपस के मुख्य द्वार पर पोषण से संबंधित स्लोगन बनाते हुए आकर्षक चित्रकारी भी की गई थी, जो काफी ही लुभावन था। सीडीपीओ कुमारी कमला सिन्हा के द्वारा सभी सेविकाओं को पोषण माह के अलग अलग सप्ताहों में प्रखंड क्षेत्र के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पर पोषण से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। मौके पर महिला परिवीक्षिका कुसुम कुमारी, निर्मला कुमारी, प्रखंड समन्वयक रिंकी कुमारी, सेविका गीता कुमारी, आशा कुमारी, संगीता कुमारी, गीता कुमारी, देवंती देवी, सुधा देवी, शकुंतला देवी, ज्योति देवी, आशा देवी, शीला देवी, रेखा देवी, संगीता देवी, रेणु देवी, सुशीला देवी, बैजवंती देवी, ममता देवी, सरिता देवी, अमृता देवी, रीता देवी के अलावे अन्य सभी सेविकाएं मौजूद थी। रवजी लाइव के लिए देखें धर्मेंद्र कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। भी पोषण माह की शुरुआत हो गई है और इसमें फिर पूरे माह हम लोग विभिन्न एजेंडा पर है जो इस माह का सेलिब्रेशन करेंगे। तो आज इसका प्रभात फेरी निकाला गया सेविका के बारे में और सभी सेविकाओं को हर एक सप्ताह क्या क्या गतिविधि करनी है, किस किस बिंदु पर इस बार फोकस किया गया है, तो इसीलिए आज हम लोग इसकी शुरुआत के लिए प्रभात फेरी निकाले हैं, जिसमें पोषक क्षेत्र में निकल के हम लोग थोड़ा प्रचार प्रसार किए हैं इसके बारे में। इस पोषण माह में क्या होता है? पोषण माह में हमारे आंगनवाड़ी केंद्र के जो लाभुक हैं, जन्म से लेकर 6 साल के बच्चे, गर्भवती महिला, धात्री माताएँ, उनके पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए तरह तरह की गतिविधि एक्टिविटी कराई जाती है। इसके अलावा स्वच्छता के बारे में जानकारी दी जाती है। इस बार कुछ एजेंडा चेंज की है सरकार गतिविधि में, जैसे इस बार किशोरी को वो पोषण दूत बनाने की बात कर रहे हैं कि हमारे पोषक क्षेत्र में कुछ किशोरी ऐसी हैं जिनको हम पोषण दूत के रूप में डेवलप करके प्रचार प्रसार करके काम करवा सकते हैं। उसके अलावा पंचायत सभा लगाने की बात है, जिसमें कि पंचायत के मुखिया जी की अगुवाई में सारे जनप्रतिनिधि, स्थानीय गणमान्य व्यक्ति, शिक्षक, जीविका, आशा, ANM सबको इन्वॉल्व करके इसके बारे में जागरूकता फैलाना है कि आंगनवाड़ी में किस तरह से सेविका लोगों का पोषण में स्तर में सुधार ला सकती है, स्वच्छता अभियान चलाया जा सकता है। इसके बाद साथ साथ इस बार एक और नया बिंदु जो ऐड किया गया है वो आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण और पढ़ाई दोनों पे जोर देने का प्रचार प्रसार करना है। जैसे कि नए जो भी इस महीने में बच्चों का आंगनवाड़ी के स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए नामांकन होगा, उनके अभिभावक के साथ बैठ करके ये चर्चा देना है कि आंगनवाड़ी केंद्र में सिर्फ पोषाहार और पोषण स्तर की बात नहीं होती है, यहाँ उनको बच्चों को बेसिक जानकारी दे करके पढ़ाई लिखाई के लिए भी आगे के लिए तैयार किया जाता है। Thank you.